बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आबिद इस्माइल एक शॉर्ट वीडियो के साथ आया हूँ। असल में बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि आबिद भाई, ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी 15% की, वो भी पूरा जो हो गई है। एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी, वो मॉनेटरी पॉलिसी में 15% आ गया। 250 बेसिस पॉइंट का जो है मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने रिडक्शन की है। उसके वो एक लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके भी दूसरे वजूहत थी जो मैंने एक्सपेक्टेशन जो की थी। और ये मैंने तकरीबन जुलाई के महीने में किया था कि ये 15% तक ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये 15% आ गया है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अब मार्केट में तेजी क्यों नहीं है। ठीक है, 15% भी हो गया है, उसकी वजह ये है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट ऑलरेडी ले चुकी थी। अगर आप यहाँ थोड़ा गौर करें, देखें यहाँ पे ये जुम्मे वाले दिन है, 1 नवंबर, यहाँ पे इसने हाई किया था मार्केट ने तकरीबन 91,134 का, और क्लोजिंग जो है वो इसकी आई थी 90,851 के करीब। अच्छा, 4 नवंबर मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी थी। अब आप देखें ओपनिंग की गैप हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मैंने अभी लिखा है यहाँ पे गैप हुआ था, यहाँ पे गैप हैज टू बी फिल्ड। अब ये कब फिल होगा ये बाद में पता चलेगा कि कब फिल होगा, ये अभी तो इंडिकेशन ऊपर की तरफ ही है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इसका इम्पैक्ट ले चुकी थी, मतलब जो बिग प्लेयर थे उनको पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है रिडक्शन होनी है। कितनी होनी है वो मुख्तलिफ लोगों की राय थी, कोई 200%, कोई 150% बोल रहे थे। मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 250 बेसिस पॉइंट की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई। अच्छा, अब ये है, अब आप यहाँ देखें, ये मैंने आपके साथ आवली चार्ट शेयर किया है। अब आप देखें यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड पे गई, यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ देखा डाउन साइड यहाँ पे, ठीक है, 4 नवंबर, जाहिर सी बात है मंडे था, तो सॉरी यहाँ पे पहला जो हम इसका जो सेटलमेंट होती है ट्यूजडे को होती है, तो ये मंडे था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें इसने इसको रिटेस्ट भी किया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मॉनेटरी पॉलिसी आई 5 नवंबर, तो ये मार्केट आफ्टर मार्केट आवर जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई। अब आप देखें यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे हमने यहाँ जो है सेलिंग विटनेस की, क्योंकि एक तो ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका था, अपना गैप ओपनिंग हुई थी और इसको ये फिल नहीं किया था। इसको देखें यहाँ पे इसने आया था नीचे की तरफ, ये इंडेक्स में यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी एक बना देता हूँ, एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक विक बनी थी, फिर इसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे ये इसको सस्टेन करता रहा 91,600 को, 91,390 पे वापस इसको रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे भी वो 91,400 के करीब जो है, एक्चुअली यही 91,400 के अराउंड था, यहाँ 91,390 हो गया, विक बनी, फिर क्लोज जो है उस कैंडल यहाँ पे क्लोज भी आवरली की, और यहाँ पे फिर हमने देखे यहाँ अपर साइड पे सेलिंग विटनेस की 92,500 के अराउंड। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको अगर RSI बता दूं तो यहाँ RSI जो था 68 पे आ गया था, ठीक है, यहाँ फिर अपर साइड पे जाते जाते 70 पे हो गया। अब 70 पे जाहिर सी बात है जब 50 के ऊपर जाता है RSI तो ओवरबॉट जोन में चला जाता है, तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में गया, ये इसका ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री अब इस वक्त बन गया है, ठीक है ना, बिटवीन 92,500 to 92,800, ये मैं राउंड में बता रहा हूँ, ये वाला इसका ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। देखें ये हल्का सा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री का अपर थ्रेशोल्ड गया था ऊपर, लेकिन ये वापस इसको निगेट किया, इसने दूसरी कैंडल ने या डोजी कर ले, इसके बाद एक कैंडल ने इसको कन्फर्म किया, फिर तीसरी कैंडल बनी, तो ये तीनों मिलकर एक ये ब्लैक जो है 3 ब्लैक क्रोज जो हम टेक्निकली कहते हैं, इसके बाद जो है और मजीद कंफर्मेशन होती तो नीचे आ सकती थी मार्केट, लेकिन यहाँ पे अब ये रेस्ट कर रही है इस एरिया पे। अब मैं आपको एरिया बता दूं इसका जो है 92,200 से लेके, यहाँ पे विक भी ले लें तो 91,900, यहाँ पे अभी मार्केट रेस्ट कर रही है। तो अब इसमें ये देखे ना दो चीजें मैं आपको बता दूं, एक तो ये डेली टाइम फ्रेम में जो है ये कि हम रेजिस्टेंस फॉर्म हमको मिल गया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डेली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, और ये डेली सपोर्ट है, ठीक है, इसके बीच में जो है इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम कर दूं, ठीक है, इसमें जो देखें हमको एक दो चैनल मिल गए हैं, एक ये वाला चैनल चल रहा है ट्रेंड लाइन का, ये आवरली पे है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, देखें यहाँ पे ये 30 अक्टूबर को यहाँ पे ये इसने रिटेस्ट किया था ये वाला लेवल, यहाँ से यहाँ चला, तो ये देखें एक ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो
फिर इसके बाद इसने जो यहाँ पे ये रेस्ट किया इस लेवल पे 88,900 के करीब, फिर यहाँ से रैली बनना शुरू हुई। जब ये रैली बनना शुरू हुई तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि 92,800 तक जाएगा ये, क्योंकि ये एक डेली का रेजिस्टेंस जो था वो रिटेस्ट होना था, क्योंकि यहाँ पे एक दफा रिटेस्ट हुआ 28 अक्टूबर को, फिर यहाँ पे एक दफा 38 अक्टूबर को रिटेस्ट हुआ, डबल रिटेस्ट हुआ और वहां से रिजेक्शन विटनेस की, तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे आके रिटेस्ट होना था 92,800 को। लेकिन देखें कैसा यहाँ पे जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे एंटर हुए मॉनिटरी पॉलिसी देखते हुए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि इम्पैक्ट ले चुकी थी, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई, फिर यहाँ पे अगेन जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया 91,500 से, फिर ये अपर साइड पे इसने मूवमेंट दिखाई अपनी। लेकिन अब आप देखें अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त ये 4 नवंबर को रिटेस्ट होना था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, और ये जाके हुआ है 6 नवंबर को, ये डेली जो रेजिस्टेंस है ये रिटेस्ट हुआ है 6 नवंबर को। तो इस वक्त देखें तो ये डेली का भी रेजिस्टेंस लेवल आ गया सामने, और इस यहाँ पे एक आवली भी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई, क्योंकि देखें जिस तरह यहाँ सूरत हाल हुई थी, रिटेस्ट किया रिजेक्शन आई, रिटेस्ट किया फिर यहाँ रिजेक्शन आई, इसी लेवल के करीब करीब जो है अपर साइड पे थोड़ा गया था वाली कैंडल, लेकिन देखें क्लोजिंग इस यहाँ तो क्लोजिंग हल्की सी ऊपर आई, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग इसकी नीचे आई है 92,800 के, और फिर इसकी कैंडल ने इसको कंफर्म भी किया है। तो अब इस वक्त सूरत हाल जो है आवली पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो 92,500 से 92,800 है, ठीक है। और मैं आपके साथ ये डेली भी शेयर कर दूं, ये एक और डेली का रेजिस्टेंस है 94,000 के करीब, अगर इसी को हम देख लेते हुए चले तो 94,000 के करीब जो है ये एक बन रहा है डेली का रेजिस्टेंस, और आरली का जो है 93,300 के करीब बन रहा है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और भी, ये नेक्स्ट ये आपका हमारे पास आवली पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई है, और ये हमारे पास जो है डेली पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई है, इसको मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ बीटी, जो मुझे फॉलो करते हैं पुराने उनको पता है बीटी का मतलब ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, या ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सूरत हाल थोड़ी वाजे हो रही है यहाँ पे, और RSI भी यहाँ पे हाई हुआ हुआ था, अब यहाँ पे अब RSI देखें आवली पे तो 54 पे आ गया, डाइवर्जेंस कोई भी नहीं इस वक्त, बस यहाँ पे जो है RSI की वजह से ओवरबॉट हो गया था, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी था इसका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी थी। डाउन साइड पे जो है मैंने ये CPR के लेवल बनाए हुए हैं, UB अपर बैंड, MB मिडिल बैंड, LB लोअर बैंड। अपर बैंड जो है 92,199, ठीक है, ये इसी के पास ही जा रहा है, और रिजेक्शन वहां पे आ रही है, सेलिंग आ रही है, यहाँ पे देखें 92,200 के करीब। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई विक बने, अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है इसका 92,500 का, अदरवाइज सॉरी 92,800 का, तो अदरवाइज जो है ये जो सब ये गैप है ना, ये हो सकता है शायद फिल हो या गैप के करीब आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था 91,390 और 91,134, ये इसका एरिया ऑफ वैल्यू है आवली चार्ट पे। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू, यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये एरिया ऑफ वैल्यू बन गया इसका, ये एरिया ऑफ वैल्यू आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर एरिया ऑफ वैल्यू को ऐसी बात है कभी कभी ब्रीच करता है तो फिर ये यहाँ पे ये यहाँ रेस्ट करना और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। इसका मिडिल बैंड भी है, इसकी सिंक्रोनाइजेशन भी देखें चल रही है इसके साथ ही, डेली का जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट मैंने लिखा हुआ है, और मिडिल बैंड भी यही है इसका CPR का, और ये बड़ा डिसाइसिव होता है मिडिल बैंड, अगर इसके नीचे मार्केट परफॉर्म करे तो फिर ये अगेन 88,600 पे आ सकती है। 90,500 का लेवल ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ, मतलब अपर साइड पे यहाँ पे रेस्ट करना शुरू कर दिया, रिजेक्शन विटनेस की, तो ये कोई कैंडल उसकी नीचे बनती है बेरिश, और फिर एक और कैंडल बेरिश बनती है, तो फिर 88,600 का लेवल ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होगा फॉर बुलिश रिवर्सल के लिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।